अनुदान प्राप्त घरोई कॉलेज कर्मचारी ग्रांट इन एड वृद्धि यह पिछला भाव में 2022 मसीहा जनवरी पहिलारु लागू हेबो। यहा द्वारा 15,771 जन शिक्षक कर्मचारी उपकृत हेबे। एथिपई वार्षिक अतिरिक्त 290 कोटी खर्च करा जिवो। आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता रे राज्य कैबिनेट बैठक बसिथिला। यहा 2023 मसीहा रे प्रथम राज्य कैबिनेट बैठक। 9 विभाग रे मोट 12 प्रस्ताव रे कैबिनेट मोहर मारिथिबा सूचना मिलिछि। ग्रामीण पाइप जल जोगाण में जाजपुर जिला पाई 2 प्रकल्प को अनुमोदन मिली। जाजपुर बरी एवं कोरेई ब्लॉक रे 2 प्रकल्प कार्य 5 वर्ष सर। से नयागढ़ दशपला गणिया एवं नुआ गाँव में होब 3 प्रकल्प। मालकानगिरी 5 पानी जल प्रकल्प को मोहर मिली। ओबीसी कमिशन आईन रे संशोधन। जलेश्वर गोबरी घाटर सुवर्णरेखा नदी में ब्रिज निर्माण हो। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता रे आज राज्य कैबिनेटर 54वां बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। एथिरे 9 विभाग 12 प्रस्ताव उपरे आलोचना होइछि एवं 12 प्रस्ताव को माननीय कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करिसेंति। प्रथम प्रस्तावटी होछि उच्च शिक्षा विभाग ग्रांट इन एड टू एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑफ एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस इनक्लूडिंग एस्ट वाइल जूनियर कॉलेजेस आज पर ओडिशा रिभाइड स्केल ऑफ पे रूल्स 2017 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। गत वर्ष विभिन्न वर्गर महाविद्यालय कनिष्ठ विद्यालय माध्यमिक विद्यालय मानक एक संशोधित वेतनहार नियम करा जाय थिला। ए संशोधित वेतनहार नियम 2017 जहाँ 1/1/2018 टू भावनात्मक भावे और 1/1/2022 टू प्रत्येक प्रकृत आर्थिक लाभ भित्तिरे लागू करा जाय थिला। तेबे केतेक वर्गर कर्मचारी यही वर्धित अनुदान को नहीं राज्य सरकार को दृष्टि आकर्षण करथिले एवं राज्य सरकार को दाबी जणाइथिले एथरे किसी परिवर्तन आने पर संशोधन आने ताकू विचार करी आज राज्य सरकार 1/1/22 ठारु अनुदान निमन्ते देवा निमन्ते ओडिशा संशोधित वेतनहार नियम 2017 को 1/1/22 ठारु लागू करिया निमन्ते सिद्ध करा जायछि। प्रकृत आर्थिक अनुदान 1/1/22 रु दिया जिबो एवं यह द्वारा 15,771 जन शिक्षक एवं अणशिक्षक कर्मचारी उक्त वर्धित आर्थिक अनुदान पाई उपकृत हेबे। एथिपई राज्य सरकार वार्षिक अतिरिक्त 290 कोटी टंका व्यय करिवे। भारतीय संविधान धारा 15(4) अनुसार पछुआ वर्ग मानक निमित्त स्वतंत्र व्यवस्था करिया पई राज्य सरकार क्षमता अछि। पुनश्च एही राज्यर दुर्बल श्रेणी लोक मानक शिक्षागत तथा आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक अन्याय तथा इत्यादि सुरक्षा देवा पई भारतर संविधान धारा 46 अनुसार राज्य सरकार क्षमता अछि। वर्तमान ओडिशार 22 गोटी जाति एवं संप्रदाय एवं यार सामर्थक जाति गुड़िक भारत सरकार द्वारा विभिन्न विज्ञप्ति माध्यम रे ओडिशा राज्य निमित्त सेमानकु ओबीसी तालिकाभुक्त होइछन्ती। तेबे उक्त जाति बा संप्रदाय एवं गुड़िक अद्यावधि ओडिशा राज्यर सामाजिक और शिक्षागत पछुआ वर्ग SC/BC तालिकार अंतर्भुक्त हो पारिनाथन्ती। तेणु यही 22 गोटी जाति बा संप्रदाय को ओडिशा राज्यर सामाजिक एवं शिक्षागत पछुआ वर्ग बा SC/BC तालिकार अंतर्भुक्त करिवार आवश्यकता रही। तेणु केन्द्र सरकार द्वारा यही जो 22 गोटी ओबीसी तालिकाभुक्त जाति बा संप्रदाय को राज्यर SC/BC तालिकार अंतर्भुक्त करिवार निमन्ते राज्य सरकार ओडिशा राज्य पछुआ वर्ग आयोग अधिनियम 1993 धारा 9 अधीन उपधारा 3 को अंतर्भुक्त कर एक संबंधी संशोधन प्रस्ताव करने कैबिन माननीय कैबिनेट सदय अनुमोदन आशा करते आज विचार आलोचना करी राज्य कैबिनेट यही अमेंडमेंट करने स्वीकृति प्रदान कर।